शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया गया। इसको लेकर उदयपुर के समस्त गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना हुई। उदयपुर के चेतक स्थित वर्षों पुराने शेपर्ड मेमोरियल चर्च में बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। शेपर्ड मेमोरियल चर्च के मीडिया प्रभारी परिमेनास मैथ्यू ने बताया कि आज गिरजाघर में क्रूस यात्रा और प्रभु यीशु के दुख भोग की प्रार्थना हुई। क्रूस पर बलिदान देने से पहले यीशु ने दुनिया को सेवा और प्रेम करने का संदेश दिया था। आज उन्हीं के बलिदान को याद करते हुए यह पर्व मनाया गया। मेरा नाम परमीनास मैथ्यू, इस शेपर्ड मेमोरियल चर्च का मैं मीडिया प्रभारी हूँ। आज तारीख 15 अप्रैल गुड फ्राइडे का दिन समस्त संसार में प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु हुई और उनके इस बलिदान स्वरूप सभी गिरजाघरों में आज गुड फ्राइडे का पर्व मनाया जाता है। और इस पर्व में इसकी ये विशेषता है कि इस दिन जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा जब प्राण त्यागे थे तो उन्होंने क्रूस पर से कुछ संदेश मानव जाति को दिए थे। और उन मानव जाति को जो संदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिए वो समस्त संसार को प्रेम, दया और शांति का पाठ पढ़ाते हैं। और उन्होंने क्रूस पर से एक बहुत बड़ी बात कही कि जितने भी विरोधी और दुश्मनों और उन शत्रुओं ने उनको जो परेशान किया था या उनको ये सजा दिलाई थी और मौत घाट उतारा था, उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्षमा प्रदान की और अपना प्रेम उन पर प्रकट किया। तो ये एक बहुत बड़ा पर्व है संसार के लिए।